रहमान रहीम, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़ की तरफ से ऑनलाइन स्टडी सेशन में वेलकम कहा जाता है। आज हम इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन पर बात करेंगे और ये आज हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको इक्विलिब्रियम, उसकी टाइप्स और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को रिकॉर्ड करवाया था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे जिसमें हमें बताना पड़ेगा कि इस वक्त बॉडी किस इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये ट्रांसलेशनल में है, रोटेशनल में है, दोनों में है या किसी में भी नहीं है। सो किसी बॉडी के बारे में ये देखना कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं और किस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में है, तो इसको हम तभी तौर पर तभी बेहतर अंदाज में समझेंगे जब आप इस प्रीवियस वीडियो को भी पहले आप देख लेंगे। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाकायदा तौर पर हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हमने एक बात आपके सामने और भी बोर्ड पर लिख दी है कि ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बेसिकली रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए है। यस, जैसे फर्स्ट कंडीशन ट्रांसलेशनल के लिए थी और आज हम सेकंड कंडीशन पे बात करने लगे हैं जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के ऊपर लेके आएगी बात को। तो चलिए इसकी डेफिनेशन बोर्ड पे लिखता हूं। द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स या टोटल टॉर्क्स जो किसी बॉडी पे लग रहे हैं उनका सम जीरो होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट सिग्मा यानी समेशन सम ऑफ वैल्यूज, तमाम टॉर्क्स का सम जीरो होना चाहिए। ये जी सेकेंड कंडीशन है। अच्छा, ये ऐसा कब होगा? ऐसा बच्चों तब होगा जब जब किसी बॉडी पर लगने वाले क्लॉकवाइज टॉर्क्स की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स की वैल्यू के बराबर होगी, तभी सम उनका जीरो आएगा। अच्छा, अब हम इस पर एक एक्सप्लेनेशन एक डायग्राम से शुरू करते हैं और वहाँ पर आपने इसको समझना भी है और इसके रिजल्ट को साथ साथ आपने अपने माइंड में रिकॉर्ड भी करना है। एक्सप्लेनेशन, डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसको कुछ इस तरह से दिखाया गया है। मान लीजिए कि ये पेवट पॉइंट है, पॉइंट ओ, जिस पर इसको लटकाया गया, यानी इसके अंदर से परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहे हैं। हम टॉर्क के टॉपिक में इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम इसमें दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। मान लीजिए कि ए और बी दोनों पॉइंट्स का इस पॉइंट से डिस्टेंस भी सेम है। फर्ज करें ये डिस्टेंस आर है दोनों तरफ। ओके, अब हम इस बॉडी पर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं। मसलन एक फोर्स है एफ जो लग रही है लेफ्ट से राइट, और एक फोर्स है इतनी ही मैग्नीट्यूड में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी बुक उसको माइनस एफ कह रही है। मान लीजिए कि ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन है मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब बच्चों ये बताइए कि इस वक्त एक बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही हैं F और माइनस F, ये इक्वल और ऑपोजिट हैं, तो आप कहेंगे कि इस केस में यकीनन फोर्सेस का सम जीरो है। ये बात तो ठीक है कि ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम गौर करें तो इस पॉइंट के गिर्द ये वाली फोर्स बॉडी को घुमाएगी। किस डायरेक्शन में घुमाएगी, आप जरा सोचिए, ये घुमाएगी इसको क्लॉकवाइज में, और ये वाली फोर्स भी किस तरफ को रोटेट कराएगी, टॉर्क पैदा करेगी क्लॉकवाइज में। तो आप कहेंगे कि यहाँ फोर्सेस का सम तो जीरो था लेकिन टॉर्क्स का सम जीरो नहीं था क्योंकि दोनों टॉर्क्स क्लॉकवाइज हैं।
और ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, तो टॉर्क्स का सम जीरो ना हुआ, इसका मतलब है ये बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। आपसे कोई पूछता कि बताइए ये बॉडी इस वक्त किस इक्विलिब्रियम में है, तो आप कहते हैं ट्रांसलेशनल में है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन सेकेंड सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो मैं बताता चलूँ कि सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि जहां फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बाज में सिर्फ सेकंड सेटिस्फाई होगी, और बाज में दोनों होंगी, और बाजों का कोई भी नहीं होगी। सो ये सिलेक्ट करने के लिए आपको गौर करना पड़ेगा। मैं बार बार इन बातों को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप इस पर गौर कर सकें। आइए इसका छोटा सा टेक्स्चर है उसको हम साथ में लिख भी लेते हैं। Let's consider two equal and opposite forces F or minus F are acting on a rigid body, दो different points पे, यानी A और B पे। तो हमने आपकी सहूलत के लिए कह दिया कि मान लीजिए दोनों का distance भी एक जितना है, ठीक है। लेकिन here आपको दिखाई देगा कि लगने वाली forces equal और opposite हैं, तो इनका sum अगर आप head to tail rule से sum करें तो result zero आएगा। तो ये फोर्सेस का सम जीरो है, बट द बॉडी विल रोटेट अंडर क्लॉक वाइज टॉर्क। देखिए इस फिगर में आपको नजर आ रहा है कि ये वाली फोर्स और ये दोनों फोर्सेस क्लॉक वाइज टॉर्क पैदा कर रही हैं। तो इसका मतलब है अब एंगुलर एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि टॉर्क्स का सम जीरो नहीं है। सो वी कैन से द बॉडी इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट कर रहा है, और दोनों का क्लॉकवाइज टॉर्क यकीनन ऐड हो गया और रिजल्टेंट टॉर्क क्लॉकवाइज रहा। और इसमें ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, बट इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन ये ट्रांसलेशनल में है। चलिए ये बात करने के बाद अब हम आपसे ये पूछते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा छोटी सी टर्म मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ब्रैकेट में इसको मैं लिख देता हूँ इस तरह ब्लॉक में, कि कोई आपसे पूछे व्हाट इज कपल, फोर्स का कपल किसे कहते हैं। तो बेटा किसी बॉडी पर अगर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज एक्ट करें दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो उनको कहते हैं कपल। दोबारा सुन लें, अगर एक ही बॉडी पर दो डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट करें तो उसको कहते हैं कपल। कपल का लफ्जी मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो दो मुखालिफ फोर्सेस एक ही बॉडी पर डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट करें, ठीक है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस acts on a body at two different points forms couple। तो दो एक जैसे एक जितनी और मुखालिफ फोर्सेज एक ही बॉडी पर दो डिफरेंट पॉइंट्स पे लगे तो वो कपल बनाती हैं, और कपल हमेशा टॉर्क पैदा करता है, क्योंकि कपल में दोनों फोर्सेस या क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेंगी या एंटी क्लॉकवाइज, कैंसिल नहीं कर सकती। अब हम कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे और वहां पर आप सेलेक्ट करेंगे इस बात को कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, और है तो किस इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो आपको इतना तो पता लग गया कि सेकेंड कंडीशन के लिए टॉर्क्स का सम जीरो होना चाहिए। तो आइए अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि हम कहते हैं कि ये एक रिजिड बॉडी है, उसी तरह से ये इसका पेवर्ड पॉइंट है जिसके गिर्द ये रोटेट कर सकते हैं, इसके अंदर से एक्सिस गुजर रहे हैं, और हमने दो पॉइंट्स लिए जिस तरह पिछली डायग्राम में बताया था, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब मैं इनकी वैल्यूज भी लिख देता हूँ। पॉइंट ए का फर्ज करें ओ से डिस्टेंस है 10
सेंटीमीटर, और इसका डिस्टेंस भी एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर है। ले जी, डिस्टेंसेस भी हमने सेम ले लिए। अब पॉइंट ए पे फोर्स लग रही है एफ वन फर्ज कर लें, और ये है 10 न्यूटन। और पॉइंट बी पर भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही है एफ टू, और ये भी है 10 न्यूटन। तो बेटा आप जरा देखिए, ये पेवट पॉइंट है, जिस ये एक्सेस है, तो इस एक्सेस के लिहाज से ये वाली फोर्स कौन सा टार्क पैदा करती हुई दिखाई दे रही है? ये कर रही है क्लॉकवाइज, और ये वाली फोर्स कौन सा कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा ख्याल है बात आप समझ गए कि जब फोर्सेस की मैग्नीट्यूड दोनों तरफ सेम है, मोमेंट आर्म्स भी सेम है, एंगल 90 है, इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो टॉर्क्स का सम तो आ गया जीरो। इसका मतलब है सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन 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 क्या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या फोर्सेस का सम जीरो है? बिल्कुल नहीं है, दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में लग रही हैं। इसका मतलब है ये रिजिड बॉडी अगर इसको रोका ना तो ये एक्सलरेट करेगा लेफ्ट से राइट, ठीक है, इस पर फोर्सेस का सम जीरो नहीं है। तो आप कहेंगे सो बॉडी इज इन कौन से इक्विलिब्रियम में हुआ? रोटेशनल इक्विलिब्रियम बट नॉट इन ट्रांसलेशनल। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं लिख रहा हूं ये आपने पेपर में शामिल नहीं करनी, सिर्फ समझाने के लिए। ये आपको स्क्रीन के ऊपर टाइटल भी लगा दिया गया है कि ये एक्स्ट्रा वर्क है सिर्फ, लेकिन इसको समझना इतना जरूरी है कि ये समझेंगे तो आपको इक्विलिब्रियम का आइडिया क्लियर होगा। देखिए बच्चों, इसी तरह से रिजिड बॉडी हम दोबारा बना रहे हैं, ये इसका पेवट पॉइंट, इसके अंदर से एक्सेस पास कर रहे हैं, दो डिफरेंट पॉइंट्स लिए ए और बी। जी अब हम क्या कहते हैं कि पॉइंट ए पे फोर्स लग रही है एफ वन 10 न्यूटन, पॉइंट बी पे भी लग रही है एफ टू, और ये भी एग्जैक्टली 10 न्यूटन। तो आप समझ गए कि ये बात तो पहले भी की है कि दोनों का टॉर्क यकीनन कैंसिल होगा, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम सेकेंड कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, फर्स्ट नहीं कर रही, ठीक है। अगर हम फर्स्ट को भी यहाँ सेटिस्फाई कराना चाहें तो मैं एक सेंटर में से एक फोर्स लगाता हूँ F3, और F3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 प्लस 10 20। तो आप क्या कहेंगे कि अब फोर्सेस का सम भी क्या हो गया? जीरो। तो दैट इज जल्दी बताइए फिर ये क्या हुई? दैट इज कंप्लीट इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो तो फिर इक्विलिब्रियम कंप्लीट होती है। अब हम डायग्राम तो चेंज नहीं कर रहे तो बार बार आपको उलझन में का सामना नहीं करना पड़ेगा, एक ही तरीके से बात कर रहे हैं कि पॉइंट ए पे फोर्स लग रही है एफ वन 10 न्यूटन, और अगर इसी पॉइंट पे एफ टू लग जाती ऑपोजिट एफ टू 10 न्यूटन, तो आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। प्यारे बच्चों एक बात और सुन लें, जब ऑपोजिट फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगें तो उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है, ठीक है, और याद रखना जब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तो हमें सेकंड कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लगा लें फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें सेकंड कंडीशन लगाने की भी जरूरत नहीं है, हमेशा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जैसे ये देखें, ये फोर्स कौन सा टॉर्क पैदा करेगी? क्लॉकवाइज, और ये कौन सा करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो अंडरस्टूड है कि ये सेकंड कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो जुमला मैंने आपके सामने बोला है इसको अपने अपने माइंड में ले आना है कि जब ऑपोजिट फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तो आपको कभी सेकंड कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड कंडीशन की जरूरत पड़ती ही तब है जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, फिर आपको देखना पड़ता है कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो इसके बाद अब हम एक बात, एक और पॉइंट है, एक एमसीक्यू है बड़ा इंपॉर्टेंट, तो मैं इसकी छोटी सी हेडिंग लिख रहा हूँ,
ये आया भी हुआ है कि कोई आपसे पूछे कि बताइए क्या सिंगल फोर्स के जेरे है सर, क्या सिंगल फोर्स के जेरे है सर बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकता है? अक्सर बच्चे कहेंगे नहीं, और यकीनन बात समझ भी आती है कि सिंगल फोर्स है तो उसको कैंसिल कौन करेगा। लेकिन बच्चों बॉडी ट्रांसलेशनल में तो नहीं हो सकता, लेकिन रोटेशनल में हो सकता है। ठीक है, कब? जब फोर्स की लाइन एक्सेस में से पास करेगी। यस, ये भी मैं इसको वर्डिंग में लिख देता हूँ, पहले इस डायग्राम को समझ लें कि ये एक रोड है, इस पर एक फुटबॉल पड़ा है या बाइक पड़ी है, कोई बाइक का टायर है कुछ भी है, ये इसका सेंटर है, आप फुटबॉल मान लीजिए। ठीक है, और आप इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, और ये फोर्स सेंटर के अंदर से गुजर रही है 10 न्यूटन। तो बेटा ये फोर्स कभी भी सेंटर के गिर्द इसको रोटेट नहीं करा सकेगी, क्योंकि मोमेंट आर्म जीरो होगा। तो जब मोमेंट आर्म जीरो होगा तो टॉर्क जीरो होगा, तो जब टॉर्क जीरो होगा तो फिर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो सिंगल फोर्स के जरिए असर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है? कि फोर्स की लाइन एक्सिस में से पास करनी चाहिए, ये एक्सिस है ना। ठीक है, सो ये एक पॉइंट है, मैं आपको इसको लिख रहा हूं, ए बॉडी अंडर सिंगल फोर्स मे बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ, कब? सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से अगर लाइन ऑफ फोर्स पास करे, तो ऐसे केस में मोमेंट आर्म जीरो होगा, तो मोमेंट आर्म जीरो होगा तो टॉर्क क्या होगा? जीरो। सो बच्चों इन एग्जांपल से मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन रेलिवेंट हम कर रहे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, अ पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वॉल बाय टू स्ट्रिंग्स, एक तस्वीर को दीवार के साथ लटकाया है दो रस्सियों की मदद से। जरा देखिए, मान लीजिए ये तस्वीर का फ्रेम है और ए और बी दो पॉइंट्स हैं जहां से आपने दो स्ट्रिंग्स ली, और ये ओ एक सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के साथ आपने इसको लटका दिया। अब हमें वो क्या कह रहे कि डायग्राम बना के शो करें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स, कि रस्सियां किस सिमत हों, किस एंगल पे हों, कि जब रस्सियों में तनाव यानी टेंशन कम से कम आए। कब ऐसा होगा कि तनाव या टेंशन कम से कम आएगी? तो टेंशन क्या है? जब भी वेट को किसी रस्सी से लटकाया जाता है तो वेट के ऑपोजिट जो रिएक्शनल फोर्स है उसको टेंशन कहते हैं। तो यहाँ हमने कहा टेंशन टी है, दोनों तरफ एक है। अच्छा, दोनों तरफ एक तभी हो गया जब दोनों तरफ एंगल सेम होगा। ठीक है, अब ज़रा इस बात को हम आपको समझाने के लिए कहते हैं कि इस तस्वीर का जो अपना वेट है जो सेंटर पे एक्ट करेगा, वेट सेंटर पे एक्ट करता है W, तो W इज इक्वल टू mg, ये इसका अपना वेट है जो वर्टिकली एक्ट कर रहा है। तो अब हम ये कहते हैं कि लेट्स कंसीडर कैपिटल टी बी टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, दोनों तरफ जो रस्सी है उसमें टेंशन टी है, मेकिंग एन एंगल, और वो एंगल बना रही है थीटा विद हॉरिजेंटल एज शोन इन फिगर। दोनों तरफ टेंशन टी है, थीटा एंगल बना रहा है, और ऐसा कब है? जब रस्सियों से आपने वेट को यानी पिक्चर को लटकाया। अब बच्चों इधर देखिए, वेट की लाइन बिल्कुल सीधी है और टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग है, तो ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो जब लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो तो हम क्या करते हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं कि हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। इस टेंशन के कंपोनेंट्स बनाइए, टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये कंपोनेंट बनेगा टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा टी साइन थीटा। देखें, ये आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इस टेंशन के बनाए। अब इसके भी रिजॉल्व कीजिए यही लाइन, तो ये आएगा टी कॉस थीटा और ये आएगा टी साइन थीटा। तो आपको नजर आ रहा है कॉस वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा था ना फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब कोप्लेनर फोर्सेज एक्ट कर रही हो बिकॉज
तो फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स का सम क्या होना चाहिए? जीरो। एक्स के अलोंग कौन सी फोर्स लग रही है? टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, और ये दोनों ऐड होके जीरो हो गए हैं। एंड और क्या पढ़ा था कि फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स का सम भी क्या होना चाहिए? जीरो। ऐसा कब होगा? जब ये टी साइन थीटा जो ऊपर को है, इसका टी साइन थीटा, ये कंपोनेंट भी ऊपर को है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। और बेटा ये दोनों कंपोनेंट ऐड होके चूंकि वर्टिकली अपवर्ड हैं, तो ये बैलेंस किसको कर रहे हैं? ये बैलेंस कर रहे हैं वेट को। तो रिजल्ट आएगा 2t साइन थीटा इज इक्वल टू w। बताइए टेंशन की वैल्यू क्या आएगी? w ओवर 2 साइन थीटा, ये आपका रिजल्ट है। अब चलते हैं अपनी बात की तरफ। देखें हमें डेटा में दिया कुछ नहीं था, कंडीशन वो ये कह रहा था कि वो एंगल कितना हो जिस पे टेंशन मिनिमम आए। तो टेंशन मिनिमम आने के लिए डिनोमिनेटर बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है। तो टेंशन कब मिनिमम होगी? जब साइन का रिजल्ट मैक्सिमम यानी 1 आएगा। सो फॉर मिनिमम टेंशन, अगर हम चाहते हैं टेंशन मिनिमम हो तो डिनोमिनेटर बड़े से बड़ा मैक्सिमम होना चाहिए। और बेटा 2 तो एक नंबर है, W एक फिक्स वैल्यू का नाम है, तो एंगल अगर मैक्सिमम करना है तो साइन थीटा का रिजल्ट आना चाहिए 1। तो थीटा होगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है? 90 डिग्री। अब आप समझ गए होंगे अगर रस्सियां बिल्कुल सीधी लगाएं तो फिर टेंशन मिनिमम आएगी। तो इसको हम बता देते हैं, शोज टेंशन विल बी मिनिमम फॉर कॉन्फिग्रेशन एंगल थीटा 90 डिग्री। तो इसको एक दफा फिर बना देता हूं। अब आप इसकी फिगर मिनिमम टेंशन में इस तरह दिखाएंगे कि ये वेट सेंटर पे एक्ट कर रहा है और ये दोनों रस्सियां बिल्कुल ऐसे सीधी लगी हों किसी सपोर्ट के साथ, ठीक है, और ये आपकी सपोर्ट है, तब टेंशन जो है वो मिनिमम होगी दोनों तरफ। होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 21, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। देखिए क्या कोई बॉडी अपने सेंटर के गिर्द वेट की वजह से रोटेट कर सकता है? देखिए पहले इसके इस बात को समझ लें, ये 21 है। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉडी है और इसका वेट हमेशा सेंटर पे एक्ट करता है, तो आप बताइए वेट की लाइन किस में से पास कर रही है? वेट की लाइन सेंटर में से पास कर रही है। तो अगर सेंटर ही पिवट पॉइंट हो तो ये वेट की लाइन एक्सिस में से गुजर रही है। तो जब एक्सिस में से गुजरेगी तो मोमेंट आर्म ज़ीरो होगा, मोमेंट आर्म ज़ीरो होने पे टॉर्क भी ज़ीरो होगा। तो कभी भी वेट की वजह से बॉडी सेंटर पे रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आंसर है नो, बिकॉज जब मोमेंट आर्म जीरो है तो टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है आर एफ साइन थीटा, बिकॉज मोमेंट आर्म जीरो तो टॉर्क भी क्या हुआ? जीरो। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 15 है, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। न्यूमेरिकल नंबर 15 स्टेटमेंट आपके सामने, लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए क्लॉथ लाइन। 10 न्यूटन का लोड आपने क्लॉथ लाइन के साथ लटकाया, तो इससे क्या हुआ कि वो लाइन डिस्टॉर्ट कर गई। किस तरह डिस्टॉर्ट की? कि उसने दोनों तरफ एंगल 15 डिग्री बनाया। तो बताइए क्लॉथ्स लाइन में टेंशन कितनी आई? ज़रा इसको समझ लीजिए बेटा, क्लॉथ्स लाइन कहते हैं कपड़े की बनी हुई एक पट्टी, एक कपड़े का बना हुआ एक रस्सी की शक्ल बना लें। जैसे आपने बुकरम देखा होगा, एक पट्टी सी होती है, ठीक है, एक मजबूत कपड़े की क्लॉथ्स लाइन है। इसको आप इस तरह दिखा दीजिए कि ये क्लॉथ्स लाइन है जिसको आपने फिक्स किया था दो पॉइंट्स के दरमियान, जैसे पॉइंट ए और बी, ये इनके पॉइंट्स हैं जिस पर आपने क्लॉथ्स लाइन को रखा है। तो ये पट्टी कपड़े की बिल्कुल ऐसे ही पड़ी है, लेकिन क्या हुआ आपने इसके सेंटर के साथ वेट लटका दिया। बताइए जब वेट लटकाएंगे तो क्या इसकी शक्ल ऐसे रहेगी? नहीं, बल्कि ये ऐसे वाई की तरह डिस्टॉर्ट कर जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब हमने इसके सेंटर पर
वेट लटकाया तो क्लॉथ्स लाइन कुछ इस तरह से डिस्टॉर्ट हो गई, ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये ऐसा कब हुआ? जब सेंटर पे 10 न्यूटन का लोड यानी के वेट 10 न्यूटन आपने इसके साथ लटकाया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और दोनों तरफ कितना एंगल बना रही है क्लॉथ्स लाइन? ये एंगल भी आपको दिया है, ये एंगल बेटा दोनों तरफ सेम बन रहा है 15 डिग्री, ये आपको गिवन है। तो कहता है बताओ क्लॉथ्स लाइन में टेंशन कितनी हुई, तनाव कितना आया, उस टेंशन की मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करनी है। तो टेंशन एक फोर्स है जो अलोंग द स्ट्रिंग या अलोंग द लाइन एक्ट करती है, ठीक है, ऑपोजिट टू वेट। तो हमने उस टेंशन का नाम टी रख दिया जिसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह के जब भी न्यूमेरिकल आए तो आपको डेटा तो उस तरह बाकायदा तौर पर एक्सट्रैक्ट करने की बजाय आप एक पैराग्राफ भी छोटा सा यूज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं लेट्स कंसीडर कैपिटल टी बी टेंशन अलोंग इन द क्लॉथ्स लाइन व्हेन लोड 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय इट। जब 10 न्यूटन लोड हमने इसके साथ सस्पेंड किया, अब जरा देखिए वेट की या लोड की जो फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और इधर ये एक टेंशन है और ये एक टेंशन है। हम क्या करते हैं, हम उसी तरह इस टेंशन को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो बच्चों कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए आप इसके अंदर से एक लाइन पास करें जो परपेंडिकुलर होगी, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, ताकि आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को बना लिया। अब ये एंगल अगर 15 डिग्री है तो मैथमेटिकली इस एंगल की वैल्यू भी 15 डिग्री होगी। आइए इस टेंशन के कंपोनेंट्स बनाते हैं। टिप से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट होगा टी कॉस 15 डिग्री और एंगल के सामने ये कंपोनेंट होगा टी साइन 15 डिग्री। इसी तरह अगर ये एंगल 15 है तो ये भी 15 डिग्री होगा ज्योमेट्रिकली। इसके कंपोनेंट्स बनाइए टी कॉस 15 डिग्री और टी साइन 15 डिग्री। हमने कुछ नहीं किया अभी तक, हमने सिर्फ कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया दोनों तरफ की टेंशन को। बाय रिजॉल्विंग टेंशन इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया तो आपको नजर आ रहा है बेटा कि ये एक्स कंपोनेंट टेंशन का और ये एक्स कंपोनेंट दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। मींस एक्स कंपोनेंट्स का सम क्या है, जीरो। यानी टी कॉस 15 डिग्री प्लस टी कॉस 15 डिग्री ये दोनों ऐड होके जीरो। एंड और क्या हमने पढ़ा था कि फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स का सम भी क्या होता है, जीरो। सो टी साइन 15 को देखिए नीचे से ऊपर, ये टी साइन 15 ये भी नीचे से ऊपर, ये दोनों ऐड होंगे टी साइन 15 प्लस टी साइन 15 डिग्री और ये दोनों किसको बैलेंस करेंगे, लोड को, क्योंकि लोड वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो रिजल्ट आएगा 2t साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू लोड कितना था 10, तो t की वैल्यू आ जाएगी 10 ओवर 2 इंटू साइन 15 डिग्री। तो 2 फाइव्स आर ऊपर 5 ओवर साइन 15 डिग्री। तो बेटा आप इसे कैलकुलेटर पे चेक, 19.3 न्यूटन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन, हेंस द रिक्वायर्ड। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।